नज़र घुमाएंगे तो हमारा भी अशुभ होने वाला है, हमारा क्या शुभ होगा। सो सबसे पहले भक्ति में ये जानना चाहिए कि आँख खोल करके भक्ति करें। श्री ज्ञानेश्वर जी ने ध्यान पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में लोग हाथ में झांझरी लेकर के विठ्ठल 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 एक महीना पैदल भूखे ऐसे जाते हैं मुंह में तंबाकू रख के, ये कोई भक्ति हुई? और नहीं तो वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बाजार से बोदी खरीद के लगाते हैं और ढीली ढाली धोती पहन के वहाँ हरे रामा हरे रामा हरे रामा, वो सारी धोती भी गिरती जाती है। उनसे बात करी तो भी हरे रामा हरे रामा हरे रामा, क्या हो? ये भक्ति नहीं है, ये विडंबना है, ये परमात्मा की विडंबना है। इस विडंबना से आप बच के रहें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भक्ति के लिए अनन्य होना चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए, और ये अनन्यता आपको सिर्फ आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है। किसी भी आदमी को आप जिस तरह से मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हम लोग इस देश में करते हैं, जो डॉक्टर वॉरेन नहीं जानते कि हमारे यहाँ तो कोई भी बाबा जी ढाबा जी आ जाए और वो हाथी वाथी ले जाए तो और भी, कह ले मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ माता जी। मैंने कहा अच्छा फिर क्या, कम से कम 5 डिब्बे का आप मुझे घी दे दीजिए। मैंने कहा जनाब मेरे यहाँ तो आधा डिब्बा क्या पाउंड डिब्बा भी नहीं घी रहता, तो अच्छा फिर कोई जेवरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं अपने पति से पूछ लूँ, कल आपके पति क्या करते हैं? मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, उठाए अपना बिस्तरा चल दिए। कहले धर्म में पति से पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा बाबा रे बाबा, एक बार सीता जी ने अपने देवर की बात नहीं मानी और संकट आ गया, मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करना। ये चीज हमारी जो अंदर एक भोलापन, जिसको कि मैं बेवकूफी कहती, जो आदमी भोला होता है वो अत्यंत कुशाग्र होता है, वो जितना जानता है उतना एक चालाक नहीं जान सकता। लेकिन ये बेवकूफियां जो हम लोग करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये भक्ति कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा सवाल ये कि हमारे यहाँ सबने बताया है कि उपास करो। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनसे पूछना पड़ता है कौन से दिन उपास नहीं कर रहे, उस दिन खाना खाने आइए। उपास करने को कौन से भगवान ने कहा ये मुझे आज तक पता नहीं, कौन से शास्त्र में लिखा कि भाई तू उपास कर, किस लिए आप उपास कर रहे हैं? उपासना करिए। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन उपास शुरू, जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे, श्री राम का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे, श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। अरे भाई उस दिन कोई मर गया है क्या? बुद्धिमान लोग भी औरतों के चक्कर में स्त्री आचार में फंस के, हाँ भाई ठीक है आज हमारे घर में उपास है, चलो कहीं क्वालिटी में जाके खाए आए क्यों घर में उपास। इस तरह से अपने भक्ति के ओर जब हम बहुत ही जड़ता से देखते हैं और उसकी गहनता पे नहीं उतर पाते तो भक्ति भी रंग नहीं दे सकते। इस प्रकार अनेक तरह से अनेक विध भक्तियाँ, जैसे गजलें हैं। अब गजलें कह लें ये भगवान के लिए, मैंने कहा ऐसी कैसी शराब में हो सकती गजलें, ये तो किसी शराबी की लिखी हुई दिखाई देती है, ये कैसे? नहीं वो शराब पी के भगवान में रखते। अच्छा ये तो मैंने सुना नहीं कभी। ऐसी विचित्र विचित्र बातें हमारे अंदर सदियों से चली आ रही हैं, उसी पर हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो आँख परमात्मा को जानने की है वो खुली नहीं। इन सब चीज़ों से अंदर में बसे हुए जितने भी देवता हैं सब नाराज़ हो जाते हैं।
हाँ, कहने लगे पर शंकर जी भी तो पीते थे भंग, तो हम पिए तो क्या, आप क्या शंकर जी हैं? वो उन्होंने हलाहल पिया था, आप पीजिए हलाहल। जिन्होंने हलाहल पिया था वो दुनिया भर का विष अपने अंदर समा सकते हैं, वो तो विष समझ के पी रहे हैं और आप क्या समझ के पी रहे हैं? इस तरह की विपर्यास जो भक्ति है वो आपको कहीं नहीं ले जा सकता। भक्ति में जब अनन्यता आती है तो ध्यान में ही मनुष्य उसका आनंद उठाता है, उसका वर्णन करने योग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए शब्द ही संसार में, निरानंद उसमें। इसीलिए कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोल। फिर कमाल तो यह है कि सारे साधु संतों ने इन सब चीजों पर इतना लिखा है, तब भी हम वही काम करते। कभी दास जी को ले लीजिए, नानक साहब को ले लीजिए, तुकाराम को ले लीजिए। अरे रामदास स्वामी ने तो ऐसी ऐसी, क्योंकि मराठी में गालियां नहीं है तो मन से गालियां बना बना करके ऐसी गालियां बकी है, मन से ही अपने ऐसी, उसका कोई अर्थ लगता नहीं है। ऐसे साधुओं को, ढोंगी लोगों को उन्होंने कहा महिषा मर्दिला चंदने, एक भैंस को लाया और उसको चंदन से मल दिया और लगे उसकी पूजा करने भक्त लोग। और जब भैंस ने लात मारी तो कहने लगे कि गुरुजी आपकी कृपा हो गई कि आपने हमें लात मारी। माने उस वक्त भी ये होता होगा शिवाजी के जमाने में। तो इस प्रकार हमारे भक्ति ने इस तरह का विचित्र रूप धारण कर लिया है कि लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं आता कि ये ढकोसलेबाजी है या क्या है। एक तरह से आप लोग जो करते हैं वो मैं नहीं कहती कि ढकोसला है, मैं ये नहीं कहती, आप शायद विश्वास करके ही करते होंगे, लेकिन ये विश्वास आपने गलत चीज़ पे कर लिया और उस गलत चीज़ को आपने अपना लिया है जो आपको बिल्कुल गलत पथ पे ले जाता है। अब दूसरा, यहाँ जो मैं देखती हूँ कि सरकारी दिल्ली शहर में तांत्रिकों का भी बड़ा राज्य चल पड़ा है। कुछ तो भाग खड़े हुए हैं पर कुछ है अभी यहाँ काफ़ी। अब ये तांत्रिक लोग हमारे भारतीय लोगों में एक नई जो विशेष व्यवस्था आई हुई है उसकी पूर्ति करते हैं। हम लोग किसी को ऊंचा उठते हुए देख नहीं सकते, कोई गया कि उसकी टांग खींचनी चाहिए। तांत्रिक इसके लिए बहुत अच्छे। एक कहावत है या एक कहानी है समझ लीजिए कि कहीं से बिच्छुओं का बड़ा भारी एक प्रदर्शन करना था, हर जगह से बिच्छू गए और भारतवर्ष से भी स्पेशल बिच्छू वहाँ पहुँचे। जिस वक्त में उन्होंने देखा कि एक जो मर्तबान है उसके अंदर ढक्कन ही नहीं, वो कहा भाई इसमें ढक्कन ही, बिच्छू आके सबको काटेंगे? कहले हो ही नहीं सकता, ये भारतवर्ष से आए हैं, एक बिच्छू ऊपर आएगा दूसरा उसको फौरन खींच लेगा। और इसलिए तांत्रिक हमको बहुत सुहाते हैं कि तांत्रिक यहाँ गए और तांत्रिक से कहा भाई देखो वो एक आदमी है उसको ज़रा ठिकाने लगा दो। आपको पता है ये तांत्रिक लोग क्या है? ये राक्षसी विद्या है, आसुरी विद्या है, ये बहुत ऐसी विद्या है जो सारे देश को खा जाएगी। एक तांत्रिक आपको घर में आने दीजिए, 7 जन्म तक आप सुख नहीं भोग सकते, इनकी छाया तक अपने तक मत आने दीजिए। थोड़ा सा भी काम वो कर देंगे गंदा, लेकिन ये जो गंदगी छोड़ जाएंगे ये 7 जन्म तक नहीं छूटने वाली, मैं आपसे बता रही। हमारे यहाँ एक लंदन में डॉक्टर आए, वो कहा कि साहब मैंने तो काम करना छोड़ दिया, मेरी हालत ख़राब है, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा क्या तुम किसी तांत्रिक के पास गए थे? कहले नहीं नहीं मैं तो कहीं नहीं गया था। मेरा ऐसा कहने लगा मुझे एकदम कार्पण्य आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, बीवी बच्चे सब। तो मैंने कहा कहाँ तुमको ये बीमारी लग गई? नहीं, कहले मेरे बाबा जाते थे एक तांत्रिक के यहाँ, वो आते थे हमारे घर। मैंने कहा देखा, अरे भाई अभी तक 4 जन्म और चलेगा ही,
परमात्मा के नाम पे तंत्र करना परमात्मा का सरासर अपमान, और इस चीज में आप लोग मेहरबानी से कभी भी पांव मत डालिएगा। भक्ति होती है जो कि आत्म साक्षात्कार होती है। तुकाराम ने कहा है कि मैं तो वैसे अणु रेणु से भी छोटा हूं, लेकिन आकाश कितना बड़ा। सो कैसे, जब ये अणु रेणु आकाश ही में मिल गया तब मैं कहां रह गया अनन्य। इनकी भक्ति पढ़िए, विरह के गीत गाने वाले लोगों के पास सिवाय रुलाने के और कुछ नहीं, मिलन के गीत पढ़िए। जो मिलन के गीत गाते हैं वही आपको बताएंगे कि आत्म साक्षात्कार चीज क्या होती है। पांचों पच्चीसों पकड़ बुलाऊ एक ही डोर उड़ाऊ, कितनी अधिकार की वाणी है, अथॉरिटी कितनी है इसके अंदर। जो आत्म साक्षात्कारी होता है वो अथॉरिटी से बोलता है, उसकी अथॉरिटी होती है, उसका अपना अधिकार होता है सब्जेक्ट पर। वो नहीं कि हाँ भाई कोई वो वोट लेने थोड़ी आता है आपसे, हाँ भाई तुम जो भी करो ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छे हैं, वो भी भले हैं, नहीं, जो बुरा है सो बुरा है, जो अच्छा है सो अच्छा है। ये अधिकार की वाणी जहां आपको दिखाई दे समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कारी खड़ा हुआ है। ईसा मसीह को देख लीजिए कि जिनका सिवाय पवित्रता के सिवाय और उनके अंग में कुछ नहीं था, साक्षात ओंकार से उनका एक वेश्या से क्या संबंध। लेकिन एक जब एक वेश्या को लोगों ने पत्थर से मारना शुरू कर दिया तो सामने आके खड़े हो गए, कह ले अच्छा तुम्हें से जिसने पाप नहीं किया मुझे पत्थर मारो, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये जो अधिकार वाणी से जो आपको परमात्मा के गीत सुनाते हैं उनको मानिए, ये आपकी भक्ति जो कृष्ण ने कही है कि भक्ति मार्ग से भी और कर्म मार्ग से भी मनुष्य परमात्मा के पास आ सकता है। वो इस वजह से कि दोनों से जब वो ये समझ ले कि इससे परे कोई चीज़ है तभी वो ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। ज्ञान को प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि कोई पंडित हो जाए। आपको आज ही एक केस बताऊं कि एक देवी जी मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि माँ देखो मेरी माता जी ने एक महाशय जी को, वो गुरुद्वारे जाते थे, उसको देखा और उसकी परीक्षा ली तो वो ग्रंथ साहब वगैरह खूब अच्छे से जानते हैं, गुरुद्वारे में जाते रहते हैं, ये वो करते हैं। उसका कि ठीक है, उसने कहा मैं तुम्हारी लड़की शादी करता हूँ, मेरी शादी करा दी। उसकी पहली एक बीवी है, बच्चे हैं, रोज़ लड़कियाँ लेके आता है, किसी की मोटर बना के लाता है, सबको बेवकूफ़ बनाता है, मेरे माँ से भी पैसा ले लिया और सारा उसको रट गया है, अखंड पाठ वगैरह करता होगा तो वो बड़ा अच्छा आदमी उनको लगा। ये ज्ञान नहीं होता है, ये ज्ञान नहीं, ज्ञान आपके नसों में महसूस होना चाहिए। इससे आपको जानना चाहिए कि ये शक्ति जो सारे ऋतु बदलती है, जो सारे जीवंत कार्य करते हैं, वो शक्ति हमारे चारों ओर है। जब भक्ति और कर्म का मेल होता है ऐसा कहा गया है तभी ज्ञान प्राप्त होता है। कि जब आप भक्ति को कर्म में इस्तेमाल करते हैं, पर अपने ऐसा नहीं, जो भक्ति वाले कर्म वाले वो कर्म वाले। आज आपने भक्ति करी, श्री राम की भक्ति करी, ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि जब हम श्री राम की भक्ति कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे कर्म कैसे हैं। क्या हम श्री राम जैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे हम हैं क्या? हम वाचा से, मन से, बुद्धि से, कर्म से हम क्या श्री रामचंद्र जी जैसे हैं? अगर नहीं हैं हम तो हमारा मेल नहीं बैठा। अब सहयोग में दो नाड़ियां जो बताई गई ईड़ा और पिंगला, इनका मेल जब सर में होता है तो इनसे भक्ति से या जिसे कहते हैं सुसंस्कारों से या कुसंस्कारों से
जो कार्य हम करते हैं उससे हमारे अंदर जो संस्था तैयार होती उसे आप मन कह लीजिए। और कार्य में जो हम अपने को व्यस्त करते हैं उससे जो संस्था तैयार होती है उसे आप अहंकार कह लीजिए। अहंकार और प्रत्यहंकार दोनों ही हमारे सर में जाकर जब मिल जाते हैं तब इस तालु भाग में आप देखिए कि तालु भाग में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वहाँ हड्डी जो है 12 साल के उम्र के बाद एकदम मजबूत हो जाती, वो जो नरम हड्डी होती है मजबूत हो जाती। यहाँ अब हमने देख लिया कि किसी के अंदर भक्ति ज़्यादा है तो वो तो और ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भक्ति अगर यहाँ तक आ जाए और अगर अहंकार यहाँ तक आ जाए तो ऐसे आदमी को जागृति देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। लेकिन धर्म तभी होता है जब मनुष्य जिसकी भक्ति करता है उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसे कर्म करता है। तो एक साहब हमें मिले, मैंने कहा कि आप श्री राम के भक्त हैं, आपने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दिया? श्री राम ने भी तो पत्नी को छोड़ा था। अच्छा, और जो उसके पीछे रोते रोते घूमते घूमते लंका जी गए थे उसका क्या हुआ? वहाँ तक हम नहीं जा सकते। आपने 5 पत्नियाँ क्यों कर ली? श्री कृष्ण ने भी तो की थी, लेकिन वो तो योगेश्वर थे, उन पे तो कोई चीज़ छाती नहीं थी। तो हम तो उनको मानते हैं, तो हम तो इस मामले में उनको मानते हैं साहब, वो बात अच्छी करी उन्होंने 5 बीवियाँ कर ली। इस प्रकार जो निर्बुद्ध लोग होते हैं जिनको कि मूढ़ कहा जाता है, मूढ़ लोग, वो भक्ति नहीं कर सकते और नहीं वो धर्माचरण कर सकते। यही धर्म का आचरण है कि जिसको आपने भक्ति से माना है उसके जैसा अपना आचरण करें। अब ज्ञानेश्वर जी जैसे आदमी, इनके के लिए कहती हूँ मैं कि साक्षात कोई ब्रह्मस्वरूप इतना पवित्र जीव संसार में आया और उन्होंने ध्यान की ही विधि बताई है, समझ लीजिए, और उस पर उनके जो बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं वहाँ उनकी मूर्तियाँ खड़ी की है, उसके आगे हमारे यहाँ कहते हैं दिंडी करना। दिंडी करना माने राम 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 चले हुए, सब लोग आते हैं अपनी वो चोपी ओपी उतार के गंजी पहन के, सबका चला है राम 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 हाथ में ले जिम लेकर। और मैंने कहा भाई हमको एक दिन के लिए हॉल दे दो, हम यहाँ ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान व्यान यहाँ नहीं करने का, यहाँ सिर्फ आप डिंडी कर सकते हैं। मैंने कहा साहब वो जो बैठे हैं सामने ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने कौन सी डिंडी की थी? कहले वो ज्ञानेश्वर जी थे पर उन्होंने कहाँ लिखा है कि आप डिंडी करिए, उसे क्या मतलब है, हम लोग तो डिंडी ही करते। मैंने कहा अच्छा नमस्कार, अगर ये आज जीवित होते तो हम आपसे बताते कि आप क्या हैं। निरे मूर्ख हैं और महामूर्ख हैं। कभी कभी इस तरह की गलत भक्ति से हम लोग अपना नर्क का रास्ता बना रहे हैं, इसलिए सजग हो जाना चाहिए और सतर्क हो करके हमें समझना चाहिए कि हमारे भक्ति में कहाँ दोष आ रहा है। अब सबसे बड़ा दोष भक्ति में इस तरह से आता है कि जब श्री राम आए तो उनसे कहने लगे हम तो भाई परशुराम को मानते हैं, परशुराम ही अच्छे थे क्योंकि मर गए ना। श्री कृष्ण आए, हम श्री कृष्ण तुमको नहीं मानते, हम श्री राम को मानते, हो गया। जीसस आए, हम तुमको नहीं मानते, हम मोसेस को मानते हैं क्योंकि जो मर गए वो अच्छे अपने जेब में रहते हैं, एक प्लास्टिक का फोटो लगा लिया काम खत्म। लेकिन वो प्लास्टिक का फोटो आपको कहाँ ले जाने वाला है, ये किस चीज़ का तमगा लगाया है आपने, ये समझ लीजिए। और फिर कहते हैं कि हमने माँ इतनी भक्ति करी और हमारा ऐसा हाल क्यों? तुम तो कहती हो कि हृदय में शिव का स्थान है, हम शिव भक्त हैं और हमें हार्ट अटैक क्यों आ गया? उसकी वजह ये कि शिवो हम ऐसी वलगना आपने क्यों करी? क्या आप शिव हो गए? क्या आपने आत्म साक्षात्कार